जैसा कि आपने वीडियो पे क्लिक किया कि कतर की सबसे खूबसूरत जगह, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट से आप लोगों को व्यू दिखाया। तो मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये सामने देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी शेप, पुरसकून सी जगह, और वो पीछे कितना शानदार व्यू नज़र आ रहा है। अभी हल्की हल्की नाइट हुई है और यहाँ आपको VIP पर्सनैलिटीज़ मिल जाएंगी। सामने ये व्यू है, ठीक है, ये व्यू है सामने, और लेट मी क्लीन द कैमरा। सामने ये व्यू है और दूसरी तरफ ये व्यू है, ये सामने शिप्स हैं, किश्तियाँ हैं, और वो बड़ी सी LED लगी हुई है, और LCD है या LED है वो आप दोस्त मुझे बता देना है। और ये यहाँ एक्सेस कार्ड की ज़रूरत है, ये नहीं है कि हर कोई आ सकता है। ये देखें वॉकवेज कितनी प्यारी आ रही हैं, और ये फ़ुटबॉल के लिए स्पेशली जगह प्रिपेयर हुई है मेरे ख्याल में। और ये रोड्स, ये जो रोड है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयार की गई है। तो आगे चल के मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि क्या बहुत कतर की सबसे खूबसूरत जगह मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो यार, प्यार के दिखाओ, शेयर करो, क्या कर रहे हो यार। कतर की सबसे ब्यूटीफुल जगह, इस जगह का नाम है दोहा पोर्ट, कॉर्निश में मौजूद है, ये कॉर्निश के एरिए में मौजूद है, कॉर्निश मेट्रो स्टेशन से बहुत दूर है, ठीक है। नेशनल म्यूजियम से अगर आप लोग आते हैं, मीना पार्क से आएंगे, पैदल आप लोग आ सकते हैं, व्यक्ति तौर पे अलाव है, बाद में क्या पता शायद आप दोस्तों को वाक के लिए भी अलाव नहीं होगा, एक्सेस कार्ड लाजिम हो जाएगा। तो यहाँ सब VIP पर्सनैलिटीज़ आती हैं, सब कुछ ब्रांडेड है, सब कुछ महंगा है, ये नहीं है कि बहुत चीप चीज़ें मिलती हैं, चीप वाला सिस्टम इधर नहीं है, सब कुछ महंगा महंगा ही है। और ये सामने जो किश्तियाँ हैं, ये फीफा वर्ल्ड कप के लिए बुक की जाएंगी यूरोपियन लोगों की तरफ से और कतरी लोगों की तरफ से, जो अमीर कबीर लोग हैं उनकी तरफ से। और आपका भाई भी ब्रांड है, इसी वजह से आपका भाई भी इधर मौजूद है। तो ब्रांड को थोड़ा प्यार दिखाओ यार, प्यार दिखाओ और कमेंट वगैरह करो, लाइक करो, मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। ये देखें सामने कतारा का व्यू यार, कितना शानदार व्यू है, इतना शानदार व्यू आप दोस्तों को पहले शायद ना दिखाया गया हो कतर से। तो मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ, ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये भी मैं आप दोस्तों को करीब से जाके दिखाऊंगा। जैसे ही आप लोग इंटर होंगे, ये सामने किंग ऑफ पोटरी, ठीक है, ये अगर आप मैप में डालते हैं तो आप दोस्तों को आइडिया हो जाएगा कि ये किंग ऑफ पोटरी है। दिस इज गुड। सो आगे चल के यहाँ बड़ी बड़ी फिश भी होती हैं, लेकिन अलाउ नहीं है यहाँ से मछलियाँ वगैरह निकालना। और कुछ दिन पहले सेलिब्रेशन वगैरह भी चल रही थी मेरे ख्याल में, मैंने शॉर्ट में वीडियो अपलोड की थी या जस्ट स्टेटस ही अपलोड किया था, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ ऊपर सेलिब्रेशन हो रही थी और बड़ा सही सिस्टम था। और ये सामने जिम, जिम के बाद आप लोग देखें क्या शानदार किश्ती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग नुमा नज़र आ रही है। और यहाँ जो है इन दो किश्तियों में ही मेरे ख्याल में 15,000 से 20,000 लोग आराम से आ सकते हैं, हैं? तो आगे चल के आप लोग देखेंगे, आप दोस्तों को मैं बताता चलूँ साथ साथ में। और ये आगे रोबिन कैफेटेरिया, यहाँ काफ़ी वगैरह अवेलेबल होती है। और ये भी होटल है मेरे ख्याल में, इसका नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ और फ्री में स्पॉन्सरशिप भी नहीं है, स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं है, तो इसलिए मैं फ्री में प्रमोशन भी नहीं करना चाहता। मेरा जिसका नाम सामने आएगा तो मैं आप दोस्तों को बता दूंगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। और ये क्लॉथ हाउस है ताला, यहाँ स्पेशल आपको फैशन डिज़ाइन जो क्लॉथिज़ हैं वो मिल जाएंगे। बाकी बहुत शानदार व्यू है, आगे चल के यहाँ देखें आप लोग के ओवरऑल आपको दोस्तों को कतरी लोग और यूरोपियन फॉरन के जो लोग हैं वो आप दोस्तों को नज़र आ जाएंगे। और यहाँ से हम आस्ता चलते चलें आगे स्लोली स्लोली, अभी हमने रोबिन को क्रॉस किया, रोबिन क्रॉस करने के बाद आगे मेरे ख्याल में केशरी, नो फ्रॉम हेयर इज़ नियर बाय, व्यू इज़ गुड फ्रॉम दैट साइड, बट आई वॉन्ट टू टेल माई फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स व्हाट काइंड ऑफ शॉप्स आर हेयर, दिस इज़ कोशहरी होटल। इस कोशहरी होटल के बारे में आप दोस्तों को बताऊँगी, मैंने पॉपकॉर्न का पूछा तो 15 रियाल का पॉपकॉर्न है, क्योंकि ये लोकेशन जो है तो बहुत महंगी लोकेशन है, और यहाँ जहर से बात है कि सब कुछ महंगा भी होगा, अंदर मेन्यू भी लगा हुआ है। और ये कोशहरी होटल के बाद देखिए आप दोस्तों को हर तरफ कतरी नज़र आ जाएंगे। बहरहाल मैं वो जो सामने वाली शिप है तो वहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ ताकि आप दोस्तों को क्लोज़ व्यू दूँ कि कैसा होगा क्लोज़ व्यू। हाँ
अभी मेरे ख्याल में ये सही से लाइटन अप नहीं हुई है, बीच बीच में से कुछ कुछ लाइटें आप लोगों को नज़र आ रही हैं। इट्स मीन के वो जो रूम है वो ऑलरेडी बुक हैं, बाकी रूम्स जो हैं तो अभी ऑलरेडी बुक नहीं हुए। और मेरी कैमरा क्वालिटी बिल्कुल ही थर्ड क्लास है, इसलिए आप दोस्तों को इतने अच्छे से व्यू कैप्चर में नज़र नहीं आ रहा जो रियल लाइफ से मैं व्यू फील कर रहा हूँ। तो क्या ही शानदार व्यू है, और आप लोग को साउंड में फील हो रहा होगा कि हवा की साउंड, विंड की साउंड भी आप लोगों को आ रही होगी। तो इट्स मीन कि यहाँ बड़ी पुरसकून जगह है, बड़ी खूबसूरत सी हवा चलती रहती है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। और यहाँ देखें, यहाँ आप लोग स्मोक कर सकते हैं, ये तंबाकू वगैरह स्मोक कर सकते हैं। और हम यहाँ से चल रहे हैं आस्ता आस्ता उस शिप की, वो जो सामने आप बड़ी शिप देख रहे हैं ना, वहाँ जा रहे हैं हम लोग, उसका व्यू आप दोस्तों को दिखाने। बाकी वो जो किश्तियाँ हैं वहाँ तो हम क्लोज नहीं जा सकते। और ये चारों तरफ समंदर है, मिडल ऑफ द सी ये इन्होंने बनाया हुआ है स्पेशली, तो यहाँ इसलिए आप दोस्तों सब कुछ महंगा मिलेगा। चिप्स भी अगर आप लोग ले रहे हैं तो वो भी 10 रियाल से कम मेरे ख्याल में नहीं मिलेंगी। और अगर आप लोग इंजॉय कर रहे हैं तो लाइक करें वीडियो को, लाइक करें। मेरा फ़िश एरिया, या फिश एरिया, दैट इज़ फिश एरिया आई गेस, हाँ वो सामने फ़िश एरिया है। और यहाँ मेरे ख्याल में फ्रेश फिश मिलती होगी, लेकिन आप ये ना समझिएगा कि सी साथ ही है, समंदर साथ ही है, और यहाँ मछलियाँ भी सस्ती होंगी, यहाँ तकरीबन 5 गुना ज़्यादा आप दोस्तों को मिलेंगी मछलियाँ महंगी। और ये मैं आप दोस्तों को शानदार व्यू थोड़ा पास से दिखाऊँगा। बहरहाल अरकान है या क्या है, आई डोंट नो। तो अभी देखें, अगर आप लोग आते हैं यहाँ किंग ऑफ पोट्री वाली साइड में तो ये जो व्यू है आप दोस्तों को मिल जाएगा, ये फ्राइड्स, तो टेरिया फ्राइड्स के बिल्कुल सामने। और यहाँ आपको जगह जगह पे ये बैठने के लिए बेंच वगैरह भी मिल जाएंगे, यहाँ आप लोग इजीली बैठ सकते हैं। और ये काफ़ी शानदार लिब ल्यू होटल, और काफ़ी मज़े की चेयर्स और टेबल वगैरह रास्ता किए गए हैं। यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो या डिफरेंट कंट्री के लोग लाइक यूरोपियंस और लंदन वगैरह के बहुत लोग हैं, ये वर्ल्ड कप के लिए जो आते हैं ना स्पोर्टर्स, फैन वगैरह, मेरे ख्याल में विजिटर्स खास करके जो वर्ल्ड कप में अपनी टीमों को सपोर्ट करने आते हैं ज़्यादातर वो लोग आप दोस्तों को मिल जाएंगे। और आई वॉज थिंकिंग दैट दिस इज़ फिश मार्केट, बट इन साइड समथिंग एल्स, मे बी समथिंग फूड ऑल्सो, आई गेस दे आर प्रिपेयरिंग फ्रेश फूड, फ्रेश फिश रेसिपीज आई गेस। वेल I can't capture very well. This location is very much beautiful and the buildings which are made, जो buildings बनाई गई हैं इधर, ऐसा महसूस होता है जैसे मट्टी की बनी हुई हैं, मट्टी की हैं नहीं, मट्टी है, लेकिन उन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है मट्टी वाला, ऐसा हाँ। और एक बात मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी है कि आप बाकी एरियाज में जाएंगे कतर में तो वहाँ येलो इस टाइप की बिल्डिंग्स होंगी सब जगह, घर वगैरह, लेकिन यहाँ यह है कि आपको कलरफुल बिल्डिंग्स मिलेंगी, कोई ब्लू कलर की है, कोई आसमानी कलर की, कोई ऑरेंज, कोई येलो, इस तरह के कोई रेड बिल्डिंग्स, तो इस तरह की शानदार बिल्डिंग्स आप दोस्तों को मिलने को मिल जाएंगी। बाकी वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं करूँगा, और ज़ाहिर सी बात है अच्छी वीडियो है। वहाँ मैं अभी वॉक बाय फीट जा रहा हूँ कश्ती की तरफ, जिस कश्ती का मैंने आप दोस्तों को बताया था अर्लियर, लेकिन वही बात है कि मैं आप दोस्तों को ये क्लियर करता चलूँ कि मैं इसमें से कोई भी पार्ट वगैरह कट नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार व्यू है। मैं चाहता हूँ कि आप दोस्त फील करो, इन्जॉय करो कि आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं, और आप कैमरा में कैप्चर होते हुए देख सकते हैं। आई डोंट थिंक मे बी अलाउ होगा या नहीं होगा, लेकिन हर कोई इधर कैमरा यूज़ कर रहा है तो इस तरह का इशू नहीं होना चाहिए। वेल अगर कोई कतर की अथॉरिटी वगैरह देख रही है तो आई एम रियली सॉरी, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनी काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज टू कैप्चर पब्लिक्स आर नॉट, बट आई एम ट्राइंग टू कैप्चर द व्यू ऑफ दिस दोहा पोर्ट एरिया टू टेल विजिटर्स टू कम एंड इंजॉय। क्या आई एम जस्ट एंड दिस इज द व्यू, आई हैव टू गो इन दैट एरिया फॉर आई गेस प्रेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू द जेट 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 शिप जेट शिप
या जेट शिप हिंदी में कहते हैं कश्ती। यार थोड़ी ज़्यादा ही इंग्लिश हो गई है, तो अभी कितने पैसे दोगे इंग्लिश के? जितनी इंग्लिश बोली है इसमें, अगर आप लोग मुझे कुछ पैसे वगैरह सेंड करना चाहते हो तो भाई इंस्टाग्राम में लिंक पिन कर दूंगा, तो आप लोग मुझे पैसे भी सेंड कर सकते हो। बाकी आपके भाई के पास इतने पैसे नहीं है कि आपका भाई अंदर जाके आप दोस्तों को व्यू दिखाए। अंदर मेरे ख्याल में यहाँ होटल रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ होगा, और ये नीचे भी आ सकता है, बट इफ़ यू हैव टू हैव मनी टू पे, अगर आप पैसे देते हैं तो आप लोग अंदर भी जा सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं, बट योर ब्रदर डज नॉट हैव सरप्राइज, इट इज़ लाइक अ सरप्राइज ब्लैक स्क्रीन एंड हियर वी गो, दिस इज़ द ब्यूटीफुल शिप एंड लेट मी आस्क फ्रॉम सिक्योरिटी, हेलो ब्रदर कैन वी ऑल्सो गो into the ship or what's the criteria to go? No, what's the criteria after some time it will go only for visitors or what? Big Sheikh, huh? Yeah, so जो चीज़ें मैं आप दोस्तों को बता रहा था कि यानी बिग शेख और यूरोपियन लोग विजिटर्स लोग यहाँ जा सकते हैं, और यहाँ अंदर आप दोस्त अगर देख सकें तो क्या शानदार स्टेयर्स ही नज़र आ रही हैं, और इट्स वेरी फैसिनेटिंग एंड गुड, यू कैन इंजॉय वेरी वेल, रूम्स आर ऑल्सो इनसाइड देयर एंड फाइव स्टार होटल टाइप दिस थिंग्स, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड रेस्टोरेंट्स इफ यू डोंट वॉन्ट टू ईट इन द फिश इन द शिप इन द कश्ती भैया, मैं इतनी ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ, मुझे पता है कोई गोरा शोरा नहीं देख रहा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बाकी जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कैप्चर कर रहे हैं वीडियोस वगैरह, तो उनको भी थोड़ा समझ आना चाहिए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये बड़ी कश्ती के साथ आप ये छोटी कश्ती देखें, बिल्कुल कोई मैच ही नहीं नज़र आ रहा है, बहुत ही छोटी है बड़ी कश्ती की निस्बत, तो वो सामने और भी कश्ती है, और ये वो लग्जरी जेट, ये सारे लग्जरी जेट, आई गेस दैट शिप इज़ मच मोर फास्टर देन दिस व्हेन इट्स रनिंग, सो दैट्स अ वेरी नाइस व्यू, उम्मीद है आप दोस्तों को ये व्यू अच्छा लगा होगा, तो क्या कर सकते हैं आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं कतर में मौजूद हैं तो आप लोग दोहा पोर्ट एरिया में आ सकते हैं, किंग ऑफ पोटरी आप सर्च करें, तो मैंने वीडियो जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट की थी किंग ऑफ पोटरी, वहाँ से आप लोग वीडियो को देखते हुए साथ साथ में यहाँ तक आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, आगे बहुत बड़ी जगह है तो मैं आगे तक नहीं जाऊँगा, बहरहाल आगे ही वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो आप लोगों को एक और तरीका ट्रैवल करने का ये है कि आप लोग अमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आ सकते हैं मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ से आप लोग 821 बस पे आ सकते हैं, क्रूज़ शिप 821 जो बस 831 और 821 बस, इनमें से थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, तो उस बस में आप लोग बैठेंगे ठीक है, तो वो क्रूज़ शिप होटल बस है, तो ये क्रूज़ शिप वाला एरिया है, तो यहाँ आपको वो आपको ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ आप लोग इजीली इंटर हो सकते हैं और इस बेहतरीन व्यू से आप लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं, तो उम्मीद है ये वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।